सितंबर महीने के पहले हफ्ते में मॉनसून ने उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में कहर बरपाया। गुरुवार को राज्य के अधिकांश जिलों में झमाझम बारिश के बाद लोगों को खूब परेशानी का सामना करना पड़ा। ये मॉनसून लोगों के लिए काल बनकर आया। इस बारिश के चलते मकान, दीवारें और पेड़ गिरने की घटनाओं के साथ साथ आकाशीय बिजली गिरने के कारण 32 लोगों की जान चली गई। ब्रज क्षेत्र पर इस भीषण बारिश का सबसे ज्यादा असर पड़ा। पिछले 36 घंटों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से इस क्षेत्र में 19 लोगों की मौत हो गई। मौसम विभाग ने आने वाले 3 दिनों तक इसी तरह की भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिससे इलाके के लोगों में चिंता बढ़ गई है। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण मानसून फिर से एक्टिव हो गया। मंगलवार रात से शुरू हुआ बारिश का सिलसिला गुरुवार रात तक थमने का नाम नहीं ले रहा था। इस दौरान कई जगहों पर दुर्घटनाएं भी देखने को मिली। बुंदेलखंड और मध्य यूपी में भी बारिश के चलते 5 लोगों की मौत हुई। झांसी में भारी बारिश ने 2 लोगों की जान ली। वहीं आजमगढ़ के लालगंज में बिजली गिरने से 1 महिला की मौत हो गई। चंदौली के तोरवा गांव में 5 वर्षीय मासूम की जान चली गई। मुरादाबाद में बारिश के दौरान कच्चे मकान की दीवार गिरने से मलबे में दबकर 1 मजदूर की 2 वर्षीय बेटी और 5 वर्षीय नाती की मौत हो गई। मौसम विभाग की चेतावनी को ध्यान में रखते हुए आज शुक्रवार को कई जिलों में कक्षा 12 तक के स्कूल बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। इनमें आगरा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, एटा, फर्रुखाबाद, हमीरपुर, औरैया, कन्नौज, जालौन, अलीगढ़, हाथरस, बहराइच, सीतापुर, हरदोई और अमरोहा शामिल हैं।